दोस्तों आज की स्टोरी है विवेक की, जो बंगाल में एक फैक्ट्री में काम करता था। काफ़ी लेट काम करने से वो अपने घर पहुंचने के लिए एक टैक्सी ढूंढता है। दूर दूर तक उसे फैक्ट्री के बाहर कोई टैक्सी नहीं दिखती और आसपास कोई था भी नहीं। काफ़ी देर वेट करने के बाद वहाँ पर एक टैक्सी आती है और वो देखता है विवेक की उस टैक्सी के अंदर एक कपल बैठा था और वो उन्हें शेयरिंग ऑफर करते हैं कि शेयरिंग में वो उन्हें आगे तक छोड़ देंगे। विवेक उनके साथ शेयरिंग में उस टैक्सी में बैठ जाता है, लेकिन आगे जाने के बाद एक काफ़ी दर्दनाक हादसा होता है। वो टैक्सी बहुत स्पीड में जा रही थी और एकदम से ट्रक से जाके टकराती है। थोड़ी देर बाद जब विवेक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि ना तो वहाँ कोई टैक्सी थी और ना ही कोई कपल। ये देखकर विवेक दोबारा बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसकी आँख हॉस्पिटल में खुलती है तो इस वाक्य पर किसी ने भरोसा नहीं किया। विवेक अपने घर वापस आ जाता है और आज तक वो रात रात को सदमे से चिल्ला चिल्ला कर अपने बेड पर उठता है। कहा जाता है उस फैक्ट्री के बाहर आज भी उस टैक्सी को लोगों ने लिफ्ट देते देखा है। आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे दोस्तों?